जहां तक एसीएस बेसिक शिक्षा ने बताया है कि टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे सभी छात्रों में जितने संभव हैं, यानी 31,661, इनको एक सप्ताह के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित इनके लिए कर दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत सारी और तमाम सारी घोषणाएं की थी। उन्होंने कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अब तक सरकार ने अन्य अन्य विभागों में 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को चयनित करके विभिन्न विभागों में पदों पर पदासीन किया है। जो सूचना हमारे पास विभिन्न विभागों से आई, उसके अनुरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत समूह ख ग व घ में 8,556, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 28,622, प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में 365, अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से 16,708, बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से ये जो अभी 31,000 बता रहे हैं इसके पहले ही 54,706, पुलिस विभाग भर्ती बोर्ड के माध्यम से 1,37,253, सहकारिता विभाग में विभिन्न पदों पर 726 लोगों को अपॉइंट किया गया है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 साल में ही 26,103 लोगों को अपॉइंट किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1,112, माध्यमिक शिक्षा विभाग में विभिन्न राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में लगभग 14,000, वित्त विभाग के अधीन 614, उच्च शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में लगभग 4,615, नगर विकास विभाग के अधीन लगभग 700, पावर कॉरपोरेशन के विभिन्न पदों में ऊर्जा विभाग के अधीन 6,446, यानी 3,526 लोगों को अब तक कम से कम अपॉइंट किया गया है। भर्ती प्रक्रिया जो कल मुख्यमंत्री जी ने जिसका रिव्यू किया था, पुलिस विभाग में लगभग 16,629 भर्तियां अभी प्रक्रियाधीन है, अगले 2-3 महीने के अंदर इनको पूरा कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग का आपको बताया कि अभी 31,665 भर्तियों का निर्देश उन्होंने दे दिया है, और पावर कॉरपोरेशन में भी प्रक्रियाधीन अब 853 पद है, और मुख्यमंत्री जी ने कल आदेश दिया है कि जितने विभागों में रिक्त पद है उनकी एक सप्ताह के अंतर्गत जो है उनकी सूचना ले ली जाए, और 21 तारीख को सभी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बात को रिव्यू करके इसको मजबूती से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। आज कोविड की बैठक में जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, उसमें जो हमारी उत्तर प्रदेश की सूचना है, मुख्यमंत्री जी ने जो आज रिव्यू किया, हमारी मृत्यु दर और रिकवरी दर, मृत्यु दर कम है और रिकवरी दर अच्छी है। हम ये बताना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का केसेस पर मिलियन है, वो पूरे देश में जो प्रथम 8 स्टेट्स हैं, यानी गोवा, पांडिचेरी, दिल्ली, आंध्रा, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और कर्नाटक, यानी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, जहां केसेस पर मिलियन है उससे भी कम है, यानी प्रदेश हमारा लोअर साइड में है एज फार एज केसेस पर मिलियन का सवाल है। साथ ही साथ डेथ्स पर मिलियन भी अगर देखें, 2 मानक हैं कोविड के, तो डेथ्स पर मिलियन में भी पहले 8 स्टेट्स जो है, 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा, अंडमान निकोबार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, इनसे भी नीचे है, यानी उत्तर प्रदेश कहीं भी जो है कोविड के संदर्भ में कहीं भी हम अगर देखें तो केसेस पर मिलियन और डेथ्स पर मिलियन में बहुत ही नीचे है, यानी कोविड का प्रकोप हमारे प्रदेश में कोविड का मैनेजमेंट के आधार पर बहुत अच्छा रहा है। इसका रिव्यू आज मुख्यमंत्री जी ने किया, और जैसा एसीएस हेल्थ ने अभी आपको बताया, टेस्टिंग में भी हमारा प्रदेश उच्च स्तर पर है, और जैसा हम कई बार कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसी महीने उनका आदेश है कि 30 सितंबर तक
प्रत्येक दिशा में 1 करोड़ से अधिक केसेस टेस्टिंग के जो हमारे पूरे हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के लिए निर्देश दिए हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स नई स्थापित करने का निर्देश दिया है, ऑक्सीजन जो सप्लायर्स हैं उनको सहयोग देकर उनको व्यवस्थित करने का निर्देश दिया है, और जहां ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, बरेली में एक मामले में FIR भी दर्ज कर दी गई, यानी कहीं अगर ब्लैक मार्केटिंग ऑक्सीजन की होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, अयोध्या, मेरठ, गोरखपुर में विशेष मॉनिटरिंग का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री आलोक कुमार को कानपुर नगर का जो है मॉनिटरिंग का आधार देते हुए वहां जाने का निर्देश दिया और ये कहा है कि कानपुर नगर में 100% जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। स्वास्थ्य विभाग की ई संजीवनी ऐप जो है बहुत तेजी से उसका प्रचार हुआ है, एक एक दिन में 2 से 2500 जो है लोग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं ई संजीवनी ऐप से, बहुत अधिक संख्या में कंसल्टेशन हो रहा है, लेकिन इसका एक कह लीजिए वर्चुअल एपीडी का जो है ओपीडी का जो है आधार बनता है, इसका लोग और इसका सहयोग जरूर लें, ज्यादा से ज्यादा लोग ई संजीवनी ऐप का फायदा लें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जागरूकता अभियान के अंतर्गत पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और मजबूत करने का निर्देश दिया है, मेडिकल टेस्टिंग, डोर टू डोर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरी सक्रियता से करने और कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्था दुरुस्त करने, गहन उनकी जो है पैरामेडिक्स की मॉनिटरिंग करने और एम्बुलेंस सेवाओं को पर्याप्त संख्या में फील्ड में लागू कर वहां पेशेंट्स को लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मैं पुनः इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि जो कोविड का पूरा हमारे प्रदेश का जो स्टेटस है यूपी का, वो दोनों तरह से पर मिलियन पॉपुलेशन का केसेस का और पर मिलियन डेथ्स में यूपी काफी नीचे है, यानी प्रदेश हमारा इस दृष्टि से काफी बेहतर है। कल रोडवेज की 7,240 बसें चली हैं, 10,19,000 से अधिक लोग रोडवेज की बसें से चले हैं। कल जो FIR दर्ज की गई हैं गृह विभाग के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, कुल मिलाकर 2,27,662 FIR दर्ज हो गई हैं। कुल मिलाकर 72,734 वाहन सीज किए गए हैं, 82 करोड़ रुपया जो है समन शुल्क जमा किया गया है और 923 FIR EC एक्ट की दर्ज की गई है। पुनः मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के संदर्भ में भी अभी समीक्षा की है, कुछ ही देर बाद उसका भी एक प्रेस नोट जारी किया जाएगा, जो कृषकों के लिए, किसानों के लिए, मंडी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जो विभिन्न कार्य हैं उन पर एक विस्तृत प्रश्न नोट अलग से दिया जाएगा। पुनः इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको आगे बढ़ाना है, और फिर कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आज निर्णय दिए गए हैं भर्ती के संदर्भ में, उसको सतत उनका अनुसरण करने के लिए हर विभाग को कहा गया है।